जनता बोलेगी सुनेंगे सब विभाग बेखौफ बोल इंडिया बोल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाथियों का निर्माण कर दिया, आप वहाँ पे एक हाथी लगाओ, 1,000 लगाओ, 1,00,000 लगाओ, पैसे का वेस्टेज तो है। 3,000 करोड़ रुपए कहाँ से आ रहे हैं? ये मोदी जी अपनी जेब से दे रहे हैं क्या? गलती मायावती ने करी है तो गलती बीजेपी ने भी करी है। इनको सम्मान मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। आज तक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, किसी को आज तक मिला हक्का? अच्छा मन से होता है ना कि कुछ दिखाने से? खामो खा की ढकोसलाबाजी नहीं, जुमलेबाजी कुछ नहीं। जब प्रॉपर सिस्टम में कोई चीज बनाई जाती है वो ऐसी अच्छी रहती है। पूरा उसमें वेस्टेज ऑफ मनी कोई नहीं है, एक इंडिया की शान हो चुकी है। सरदार पटेल को सारी वोटें मिली थी, पे एक वोट मिलने वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन सरदार पटेल को मिला कोई सम्मान? नहीं मिला। स्मारक मूर्ति और पार्कों के निर्माण ने राजनीति को भारत में एक अलग मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है। तब बात की जाए अंबेडकर प्रेरणा स्थल की या फिर बीजेपी द्वारा बनाए गए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, सभी के निर्माण में करोड़ों रुपए जनता के लग जाते हैं। और आज का सवाल यही है कि वाकई में पार्कों और मूर्तियों से देश का विकास होता है या ये सिर्फ जनता और सरकारी खजाने का नुकसान है? आइए बात करते हैं लोगों से। सर क्या नाम है आपका? योगेश नाम सर। योगेश नाम है जी सर। टैक्स पे करते हैं? बिल्कुल सर। तो ये बताइए एक टैक्स पेयर होने के नाते आप क्या चाहते हैं कि आपका टैक्स कहाँ कहाँ लगे? सर देखिए, सबसे पहले जो मेरा टैक्स का पैसा है सामाजिक कल्याण में लगना चाहिए। लेकिन अगर बात आप कर रहे हो इसकी पार्क की या इन सब चीज़ों की, देखो पैसा तो लगना चाहिए क्योंकि सुंदरता, स्वच्छता, ये सारी चीज़ें पार्क में भी हम घूमने जाते हैं, बनने तो चाहिए। लेकिन जो मायावती वाला इशू है ना, उन्होंने अपना ही स्टैचू अपने आप बना दिया वहाँ पे, ये गलत है। पैसे का गलत इस्तेमाल है। अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी के साथ में उसका कंपैरिजन करते हो तो स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल को सम्मान मिलना चाहिए था और वो दुनिया में एक हमें अलग पहचान देता है। बिल्कुल, आयरन मैन ऑफ इंडिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कहना चाह रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू बना है वो बिल्कुल लाजमी है, वो बहुत यूजफुल है। वो पहले ही बन जाना चाहिए, उन्हें सम्मान पहले मिलना चाहिए था जो नहीं मिला था, वो बात बढ़िया है। लेकिन एक बात बताएं, देखो ये तो जो आप जैसे ये हाथियों का निर्माण कर दिया, आप वहाँ पे एक हाथी लगाओ, 1,000 लगाओ, 1,00,000 लगाओ, पैसे का वेस्टेज तो है। आप लगाते हैं वहाँ, चलो 10-20 लगा देते, चलो कोई बात नहीं, अपना बनाने की क्या जरूरत है? उन्होंने मायावती जी ने अपना ही स्टैच्यू बना दिया वहाँ पे, वो मंदिर निर्माण भी कर देंगी थोड़े दिन बाद, देवी बन जाएंगी, ये सारी चीज़ें तो क्या है? ये सब चीज़ें पैसे, मतलब पैसे का वेस्टेज तो है। तुम्हें करना है सफाई, करो रोडों को अच्छा बनाओ, स्वच्छ बनाओ, पेड़ पौधे लगाओ। ऐसा नहीं लगता कि मायावती के स्टैचू से कोई सरकार को जो है इनकम मिल रही है या फिर उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है, रोज़गार कहीं ना कहीं बढ़ा है? देखो उसमें क्या रोज़गार बढ़ गया? ऐसे तो फिर एक काम करो, जैसे पहले हो रहा था वो गड्ढे खोदने वाला, खुदवाते रहो गड्ढे फिर भरवाते रहो, रोज़गारी है, पैसा देते रहो। सरकार जितनी भी सब्सिडी वगैरह देती है उसके लिए भी बोल दो भैया पैसा हमें तुम्हें देने, गड्ढे खोदो, गड्ढे भरो, यही काम करते रहो। पैसा क्या है, लगाना है सही जगह लगाओ ना उसी पैसे को। अच्छा, 8 फरवरी को स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए भैया बोल रहे हैं, मैं छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, जितना पैसा स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने में लगा क्या 3,000 करोड़ लगा सर? 3,000 करोड़ रुपए क्या आने वाले 30 सालों में कवर हो सकते हैं? वहाँ टिकट भी है, उस स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए टिकट भी है, क्या वो कवर हो सकते हैं? और कवर हो सकते हैं तो खर्चा भी निकलेगा, वो भी लगाओ कि भाई मैं टिकट वेंडर रख रहा हूँ तो टिकट वेंडर को भी सैलरी दूंगा, सब चीज़ दूंगा। हाँ, ये सब किसी के लिए कुछ भी बोलना ये लाजमी नहीं है। आप ये भी बोलो कि अगर गलती मायावती ने करी है तो गलती बीजेपी ने भी करी है। इनको सम्मान मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। आज तक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, किसी को आज तक मिला हक्का? नहीं मिला। अब एक बात बताओ, अगर कोई आदमी खड़ा हो के इनके लिए, अगर मैं ही कल खड़ा हो जाऊँ कि भगत सिंह को मिलना चाहिए सम्मान, उसका तो क्यों ना मिले? एक चीज देखिए, मिलना चाहिए। इनका कहना ये है कि बीजेपी की भी गलती पूरी है, अगर आप मायावती के बारे में बोल रहे हैं कि मायावती के स्टैचू, मैं बताता हूँ, उसने लाइली तो बनाया है, वो जीवित तक क्या दिक्कत आ गई? गलती में अगर नहीं, आप ये मुझे बताएं 3,000 करोड़ रुपए कहाँ से आ रहे हैं? ये मोदी जी अपनी जेब से दे रहे हैं क्या? हैं, कौन दे रहा है पैसा ये? अच्छा एक बात बताओ, जैसे अभी सर कह रहे हैं स्वच्छ भारत में जितना भी सफाई आज आप देख रहे हो, हाँ? सारी की सारी जितने भी आप रोड पे निकलो या जिन भी पेंटिंग्स वगैरह जो बन रही हैं अपने गाजियाबाद में निकलते चले जाओ, तो उसके लिए हम बोल नहीं रहे ना। अब कल ये कहेंगे पेंटिंग ही क्यों बना दी इस पे? नहीं, अब वो अच्छा दिखना चाहिए, लगना चाहिए अच्छा, उसमें क्या है? लेकिन अब अपनी मूर्ति बना के मोदी जी हर जगह स्टैचू खड़े कर दे, कल मोदी जी इस काम को करे तो कैसा फिर क्या कहेंगे? जनाब अच्छा मन से होता है ना कि कुछ दिखाने से? खामो खा की ढकोसलाबाजी नहीं, जुमलेबाजी कुछ नहीं, जो है तथ्य होने चाहिए, कुछ भी होने हो बस। सर तो आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में 8 फरवरी को आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता आशुतोष जी ने
मोदी को 3,000 करोड़ के लागत वाले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का पैसा लौटाने की बात कही है, तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी को उसमें लगे पैसे लौटाने चाहिए जैसे मायावती लौटा रही है या नहीं? देखो अब लौटाना बेकार है, जो हो गया वो हो गया। देखो मायावती को लौटाना चाहिए, ठीक है, मोदी जी ने जो कर दिया, देखो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका सम्मान करते हैं, ठीक है, बट आगे ऐसा कुछ ना हो जो वेस्टेज ऑफ मनी हो, सही है समझ के कहते हैं। वेस्टेज ऑफ मनी तो इसमें कोई बात नहीं है, इसमें वेस्टेज ऑफ मनी कोई नहीं है, एक इंडिया की शान हो चुकी है, वर्ल्ड में ये सेकंड स्टैचू बना हुआ है। जैसे कि आप अगर अमेरिका जाते हैं, आप अगर इंडिया है, इंडिया में या कोई भी वर्ल्ड में कोई भी देश है तो यूनिटी ऑफ लिबर्टी को देखता है ना, तो हम पहचानते हैं कि वो अमेरिका है। ऐसे ही हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखते हैं तो हमें दूसरे लोग पहचानेंगे कि हम इंडियन हैं, इसलिए बनाया हुआ है। आदमी ने इस पूरे देश को एक कर दिया, आज तक उसे सम्मान कभी मिला नहीं। अगर उसी के नाम पे ऐसी चीज बना दी दुनिया जानेगी। आप एक बात बताओ, जितना भी जब हमारा देश आजाद हुआ था सारी रियासतें किसने मिलाई? पहली बार चुनाव में भी सरदार पटेल को सारी वोटें मिली थी, एक वोट मिलने वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन सरदार पटेल को मिला कोई सम्मान? नहीं मिला। अगर मिल गया तो उसमें क्या दिक्कत है? एक चीज पूछना चाहूंगा मैं, सम्मान की जो राजनीति है वो राजनीति तक ही सीमित है या इससे ये लोग वोट बैंक बनाना चाह रहे हैं अपना, क्या क्या कहना भाई? ये प्रॉपर वोट बैंक ही है, ये समझ के चलें बस। सम्मान सिर्फ और सिर्फ उस दिन होता है कि जिस दिन उसका इनॉग्रेशन हुआ मूर्ति का, बस उस दिन सम्मान हो गया, लाइट वाइट लगा दी, फुवारे वगैरह चला दिए, हो गया सम्मान। उसके बाद क्या उन सम्मान कर रहा है? कोई अगरबत्ती भी जला रहा है वहां जाके? कोई फायदा है? वो उसका पूरा रख रखाव है, आप जाके देख लो, आज नहीं 10 साल 50 साल बाद जाओगे तो भी वहाँ वही दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो जब प्रॉपर सिस्टम में कोई चीज बनाई जाती है वो ऐसी अच्छी रहती है। पूरा वो खुद कमाएगा और उससे आएगा, वो सबको पता है, आप जाके वहाँ देख लो पूरा सिस्टम, वो कितनी कमाई हुई जब से आज तक बना है वो सब पता चल जाएगा, उसमें कोई नहीं है। आप एक बात बताओ, अभी थोड़े दिन पहले इंडिया गेट के बारे में, जब इंडिया गेट सॉरी लाल किले के बारे में बताया गया था इसको प्राइवेट कंपनी को दे दिया, इसमें क्या होगा? क्या मोदी जी ने भाषण नहीं दिया उस पर खड़े हो गए? और अगर उसमें पैसे भी मिल रहे हैं, साफ सफाई भी है, बुरी चाहिए। अगर सम्मान वाली बात है तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी का बनाना चाहिए था, जिन्होंने भारत को न्यूक्लियर पावर दी, सब चीज दिया, उस आदमी का बनाना चाहिए था। ये राजनीतिक मुद्दों का ऐसे आदमी का कभी ना बनाए जो राजनीति वाला हो, चाहे उसने एक रुपया खाया हो या नहीं खाया हो, चाहे उसके घर में अनाज के दाने हो या ना हो, लेकिन केवल और केवल एक आदमी का जरूर बनना चाहिए था, अब्दुल कलाम जी का। तो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू बना उसके खिलाफ है? खिलाफ नहीं, अब जो बन गया उसका हम सम्मान करते हैं, जो चीज बन गई वो बन गई बस, लेकिन उनका भी कुछ ना कुछ ऐसा बने जो भारत को सैन्य तौर पर मजबूत करके गए, आर्थिक तौर पर भी एक तरह से मजबूती मिली है इसमें, ये आप जानते हैं और अपने चैनल के द्वारा बताएं कैसे वो हो रहा है। कलाम साहब को भी पूरा वो मिलना चाहिए सम्मान, ये नहीं होना चाहिए कि वो राष्ट्रपति रह गए या भारत रत्न रह के ही बस हो गया उनका काम। मिले तो फिर सबको बराबर का मिले, नहीं तो मिले ही ना। अब पता लगा कि अब जितने साल बाद इन्होंने बनाया, जैसे वल्लभ भाई पटेल जो है मतलब आजादी से पहले के थे, बीजेपी ने दिया था। हाँ तो मैं मना नहीं कर रहा, किसी और ने नहीं, मैं मना नहीं कर रहा, उनको सम्मान मिला या नहीं मिला मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ऐसे आदमी का स्टैचू बने जिन्होंने भारत को न्यूक्लियर पावर दी हो, ठीक है, ऐसे आदमी को मिले। अब मैंने देशों को जोड़ दिया, मैंने राज्य को मिला लिया, जो मिल गए अब छोड़ो, हमें पता है जिसने जो काम करा जैसा करा, बट उनको भी तो मिले। तो सोचने की बात यह है कि सरकारें आती हैं, स्मारक बनाती हैं और स्मारक रह जाते हैं, क्या मात्र स्मारक के निर्माण से ही भारत का विकास होगा? दीजिए अपनी राय, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपने सहायक रोहित कौशिक के साथ सार्थक बंसल, बोल इंडिया बोल।